हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का टॉपिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं। इसके पहले यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था। तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में थोड़ा सा अंतर है। उसमें भी एक क्रोमोसोम यानी एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो रही थी और इसमें भी एक ही क्रोमोसोम की संख्या अधिक है, परंतु बस समझना यह है कि जो डाउन सिंड्रोम था उसमें 21वीं उसमें जो आपका जो डाउन सिंड्रोम था उसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाध सूत्रता हो रही थी यानी ट्राइसोमी हो रही थी, परंतु यहां पर लिंग गुणसूत्रों में होती है एकाध सूत्रता। बस ये इतना अंतर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखा है, यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की एकाद सूत्रता के कारण होता है। यानी हमने आपको बताया है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 47 होती है, जिसमें से 22 यानी 22 जोड़ी या आप टोटल कह सकते हो 47 होती है और जोड़ी में 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण लिंग का निर्धारण होता है। तो जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, उसमें एकाध सूत्रता यानी ट्राइसोमी, ट्राइस तात्पर्य की दो की बजाय तीन का हो जाना, यानी जब ये सिंड्रोम होगा तब लिंग गुणसूत्रों की जो जोड़ी है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाएगी, एकाध सूत्रता हो जाएगी, एकाध सूत्रता के कारण होता है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या दो के स्थान पर तीन होती है, यानी जो आपकी एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र थे 23 जोड़ी गुणसूत्र में से उसमें लिंग गुणसूत्र वाली जोड़ी में दो के स्थान पर तीन हो जाते हैं, तब ये व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। नीचे वही चीज है कि सिंड्रोम से पीड़ित यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 यानी एक संख्या अधिक हो रही थी। यानी ये आप यहाँ पर देख करके आए हो कि दो के स्थान पर तीन होती है, तो वही व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये 44 गुणसूत्र हैं और इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है, अधिक आ गया है, जिसके कारण कुल संख्या इसकी 47 हो रही है और वो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। इसके पीछे डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, तो डाउन सिंड्रोम में भी 46 के स्थान पर 47 हो रही थी, परंतु अंतर इतना है कि ये लिंग गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता होती है, यानी जो लिंग गुणसूत्रों वाली जोड़ी है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो रही है दो के बजाय तीन। और डाउन सिंड्रोम में क्या था कि यहीं पर यानी डाउन सिंड्रोम से अगर व्यक्ति ग्रसित होगा तो वो 21वीं जोड़ी में एकाध सूत्रता होगी, ये इतना अंतर है। तो 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। और इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण नीचे लिखा है, किस कारण से यह एक संख्या अधिक हो जाती है, द्विगुणित असामान्य अंड यानी असामान्य अंड जो सामान्य नहीं है, द्विगुणित है यानी एक्स एक्स है क्रोमोसोम, ये अंडाल कह सकते हो एक्स एक्स है, तथा सामान्य अगुणित शुक्राणु वाई, यानी यहाँ पर जो शुक्राणु वाई है जबकि शुक्राणु के साथ में यहाँ पर एक्स वाई होना चाहिए था लेकिन नहीं है, वाई के संयोजन से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनता है, या सामान्य अंग यानी एक्स और तथा असामान्य द्विगुणित शुक्राणु, असामान्य द्विगुणित शुक्राणु से तात्पर्य है कि एक्स वाई यानी जब ये किसी युग्मक अलग करेंगे तो ये दोनों युग्मक अलग नहीं होते हैं, यानी ये एक्स और वाई अलग अलग नहीं होते हैं,
और ये एक्स वाई किसी के साथ जब यानी इस एक्स के साथ संयोजन करेंगे, क्योंकि ये सामान्य अंड है यानी एक एक्स है, सामान्य अंड कोशिका से तात्पर्य है कि ये एक्स एक्स क्रोमोसोम तो होंगे लेकिन जब युग्मक अलग हो जाते हैं तब वो एक एक्स अलग अलग एक्स हो जाते हैं। तो ये एक युग्मक है और ये शुक्राणु के साथ में एक्स असामान्य है या वाई अकेला होना चाहिए था, वाई अकेला नहीं है। तो जब इन दोनों का संयोजन होगा तो कुल मिलाकर के हमारे क्रोमोसोम्स बनेंगे। अभी आगे संरचना के माध्यम से समझेंगे, ये एक्स है और ये एक्स वाई दोनों मिल जाएंगे तो एक्स एक्स वाई यानी तीन यहां पर हो जाएंगे, एक की संख्या अधिक हो गई। इसी प्रकार ये असामान्य अंड यानी ये एक्स एक्स था और इसी के साथ सामान्य अगुणित वाई और ये वाई मिल जाएगा। असामान्य का तात्पर्य है कि जब ये युग्मक अलग होते हैं तो एक एक्स होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दोनों एक्स रखे हुए हैं। उसी प्रकार से जब असामान्य शुक्राणु की बात होती है तो वहां भी एक्स वाई रखे हुए हैं जबकि यहाँ पर अकेला वाई होना चाहिए था। तो इस प्रकार जब एक्स एक्स असामान्य अंड और असामान्य अगुणित वाई यानी एक्स एक्स ये वाले असामान्य है और ये वाई मिलेगा तो एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाएगी, 46 के स्थान पर 47 हो जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य अंड में यानी ये सामान्य अंड कोशिका एक्स और असामान्य शुक्राणु एक्स वाई जब मिलेगा, एक्स और एक्स वाई मिलेगा तब यहां भी एक संख्या अधिक हो जाएगी तो वो 46 के बजाय 47, तो जिसके कारण वो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाएगा। अब क्लाइनफेल्टर से ग्रसित व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं यानी कैसे पहचाना जाता है, तो अगर कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है तो इसमें क्या है, पुरुष तथा स्त्री दोनों के लक्षण यानी पुरुषों के भी लक्षण उपस्थित होते हैं और स्त्रियों के भी लक्षण उपस्थित होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वाई गुणसूत्र के कारण यानी वाई गुणसूत्र के कारण ऐसे आप लिख सको, वाई गुणसूत्र के कारण शरीर पुरुषों जैसा यानी शरीर जो है पुरुषों जैसा, देखिए दोनों में भी आ रहे थे वाई और इसमें भी वाई आ रहा था तो पुरुषों का शरीर लंबा चौड़ा हस्तपुष्ट होता है तो पुरुषों जैसा शरीर होता है परंतु अतिरिक्त एक्स यानी एक एक्स होना चाहिए था तो आप ये एक्स्ट्रा एक्स है और ये भी इसमें भी एक एक्स्ट्रा एक्स है, दोनों में ज्यादा यानी एक्स एक्स है तो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण वृषण शुक्राशय शुक्रवाहिनी शुक्र नलिका जनन अंग यानी जितने भी जनन अंग हैं अल्प विकसित हो जाते हैं यानी पुरुषों के जो जननांग हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं जिसके कारण यानी इस अवस्था को जो पुरुष के जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं इस अवस्था को हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है यानी ये अवस्था जो है हाइपोगोनेडिज्म कहलाती है। और जननांग अल्प विकसित होने के कारण पुरुष बंध यानी कि बांस कहलाते हैं, जननांगों का विकास समुचित ना हो पाने के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति बांस या बंध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और स्त्रियों वाले लक्षण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाते हैं, स्त्रियों के समान इनके चेहरे यानी इनका जो चेहरे का बनावट है वो स्त्रियों के समान होता है, शरीर पर इनके बालों की संख्या कम होती है और स्त्री के समान इनके शरीर पर स्तनों का विकास हो जाता है। यानी आप जब इसी लाइन से समझ सकते हो कि पुरुष तथा स्त्री दोनों के लक्षण, तो आप जो पुरुष और स्त्री यानी नर और मादा की जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लक्षण है दोनों का विकास हो जाता है जिसके कारण पुरुष बंध यानी बांझ कहलाते हैं। उसी की आगे अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम यानी इसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र एक्स उपस्थित होता है, यानी जो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसके लिंग गुणसूत्र में एक्स ही आएगा यानी केवल एक्स उपस्थित होता है। एक यानी उपस्थित होने के कारण इसमें
एक्स होगा और इसके साथ दूसरा एक्स भी नहीं होगा ना दूसरा वाई होगा, केवल एक्स होगा यानी अकेला एक्स होगा, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे 46 के स्थान पर 47 हो रही थी यानी डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, परंतु टर्नर सिंड्रोम में केवल एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण कुल संख्या 46 के बजाय 45 होती है, यानी कि 44 ये हो गए और ये एक्स है, इस एक्स के केवल एक अकेला एक्स होता है अगली जोड़ी में, जो हमारी जो ये 44 गुणसूत्र है और ये एक अकेला है इसलिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए 45 और इसके साथ एक और होना चाहिए था इसलिए 46 होते तब जाकर के संख्या पूर्ण होती। तो एक टर्नर सिंड्रोम में 46 के बजाय 45 होती है, यानी गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है वो भी एक्स और संख्या एक कम होती है। इसका कारण क्या है, उसका कारण देखते हैं, अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय यानी जब युग्मक बनते हैं उस समय गुणसूत्र में अवियोजन यानी नॉन डिसजक्शन। अब ये अवियोजन क्या होता है कि जब युग्मक बन रहे होते हैं तो युग्मक बनने के समय युग्मकों का अलग अलग ना हो पाना, जैसे ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग एक्स एक्स रखते हैं और इसी प्रकार एक्स वाई को अलग करते हैं तो ये युग्मक कहलाते हैं अलग अलग। लेकिन अवियोजन से तात्पर्य है कि नॉन डिसजक्शन यानी जब युग्मक बनते हैं अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन की जब प्रक्रिया होती है उस समय ये युग्मक अलग अलग नहीं हो पाते हैं, यानी ये ऐसे ही उपस्थित रहता है, यानी एक्स वाई में एक्स एक्स वाला ऐसे ही उपस्थित रहता है और जब हम इसको नीचे लिखते हैं आकर के युग्मक अलग करने की जब बारी आती है तो एक्स एक्स वाले युग्मक ऐसे ही लिखे रहते हैं और ये एक्स वाई वाले अलग हो जाते हैं। अब आप इनका क्रॉस करा दोगे तो क्या होगा कि ये एक्स एक्स वाला यानी ये एक्स एक्स वाला तो सही जाएगा लेकिन इसके साथ दिक्कत क्रिएट कर देता है जिसके कारण यानी अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्र में अवियोजन नॉन डिसजक्शन यानी युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों का अलग अलग ना हो पाना जो है टर्नर सिंड्रोम क्रिएट कर देता है, जिसके कारण 46 के स्थान पर 45 पहुंचते हैं। शरीर इनका अल्प विकसित स्त्री के समान बंद होते हैं यानी इनका शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता है और ये कैसे होते हैं स्त्री के समान यानी इनके जो बाहरी लक्षण हैं वो क्योंकि इसमें एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी है तो एक्स उत्तरदायी होने के कारण इनके बाह्य लक्षण स्त्री के समान होते हैं और ये बंद बांझ होते हैं। जननांग अल्पविकसित यानी जननांग अल्पविकसित या जननांगों का विकास ना हो पाने के कारण बांझ कहलाते हैं। अंडाशय ह्राशित यानी इनका अंडाशय अल्पविकसित या उपस्थित ही नहीं होता है यानी अवशेषी अवशेषी के रूप में होता है। अंडाशय पूर्ण विकसित ना होने के कारण अंडाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है जिसके कारण जब अंडे नहीं बन पाते हैं तो वह व्यक्ति जनन धारण करने के योग्य नहीं होता है बांस होता है। तो ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। अभी इसके आगे हम जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से डाउन सिंड्रोम वो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को करते हैं।